नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज की वीडियो में बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CET 2022 के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ चुकी है, जो कि CET क्वालिफाइंग नेचर को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह कदरी का आया है नया बयान। क्या इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सब कुछ आपको बताऊंगा कि उन्होंने बयान में क्या कहा है और क्या CET क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसके बारे में पूरा अपडेट उन्होंने दिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप अपने टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताएंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का क्या नया बयान निकल के सामने आया है और उन्होंने अब कौन सा नया बयान दिया है कि CET क्वालिफाई नेचर को लेकर। तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं, CET को पात्रता परीक्षा बनाया जाए, इस पर एक आर्टिकल छपा है, इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। जिन उम्मीदवारों ने CET दिया है उनमें से काफ़ी का मांग कर रहे हैं कि CET को पात्रता परीक्षा बनाया जाए, यानी जितने उम्मीदवार न्यूनतम 50 या 40 अंक लेकर पास होते हैं उन सभी को ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि आयोग के स्क्रीन टेस्ट में वे भी बैठ सके। अभी तक सरकार ने 3 से 5 गुना को ही CET स्कोर के अनुसार स्क्रीन टेस्ट में बैठने की नीति बनाई रखी है। इसी नीति के बदलाव की मांग कर रहे उम्मीदवार प्रदेश के जिलों में बैठक कर रहे हैं, इनमें कुछ यूट्यूबर्स और कोचिंग सेंटर के संचालक भी शामिल है। अब तक लगभग आधा दर्जन जिले में ये उम्मीदवार एकत्र होकर संबंधित जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंप चुके हैं। विद्यार्थियों की अनौपचारिक बैठक में भी कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया है कि CET को पात्रता परीक्षा माना जाए। अभी तक मुख्यमंत्री ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसके साथ साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि वे चाहते हैं कि CET पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, ताकि सभी उम्मीदवार को ग्रुप सी के पदों के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट पर बैठने का मौका मिले, मगर अंतिम फैसला सरकार को करना है। तो देखिए इस जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैं इस पर एक बात अपने मन से जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कुछ भी हो जो एग्ज़ाम्स कराती हैं या जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उससे मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि हमको किस तरीके से किस एग्ज़ाम को किस वे में लेके जाना है। अभी ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एकत्र होके इस पर फोकस कर रहे हैं कि CET को क्वालिफाई बनाया जाए, इस वजह से इनका बयान चेंज हो रहा है। लेकिन इसके पहले तक इनका बयान क्या था कि हम 3 से 5 गुना ही लोगों को बुलाएंगे। इनका एकदम कड़े शब्दों में बयान था कि हम इतना ही बुलाएंगे, लेकिन अब इनका बयान भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, इससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अभी आपने आधा दर्जन जिलों को कंप्लीट किया है, उम्मीद करते हैं कि पूरे के पूरे जिलों को कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप लोगों के रिजल्ट आंसर की ओर रिजल्ट आने से पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन तो अब बोल ही रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री जी का भी मन चेंज हो जाए और वो भी डिसाइड कर ले हाँ कि CET को क्वालिफाई नेचर करना चाहिए, क्योंकि CET का फुल फॉर्म ही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, तो योग्यता में आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपको सेकंड पेपर देना है या नहीं देना। योग्यता मतलब है कि मैं पास हो गया, अब मुझे सेकंड पेपर देने का मौका मिलना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। अभी के लिए इतना ही, आगे कुछ भी अपडेट आती है साथ साथ CET आंसर की ओर मार्कशीट पर भी कुछ अपडेट आती है तो मैं प्लीज़ आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।